श्रीलंका को तीसरा T20 मुकाबला हराने के लिए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम में की दो बड़े बदलाव और दो भूखे शेरों की वापसी करा दी है, जो कि इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं कि अकेले ही श्रीलंका टीम को रौंद कर रख देंगे। दोस्तों, अभी देखना चाहते हो आखिरकार ये खिलाड़ी कौन है और आप चाहते हो कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पहले T20 मुकाबला भारत और श्रीलंका टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें आखिरी गेंद पर टीम इंडिया ने 2 रन से जीत दर्ज की। तो वही दूसरे T20 में बदकिस्मती से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 16 रन के अंतर से टीम इंडिया इस मुकाबले को हार गई थी। लेकिन दोस्तों, अब तीसरा T20 मुकाबला आज शाम को 7 बजे से शुरू होने वाला है, जो कि राजकोट के मैदान पर खेला जाएगा। दोस्तों, आज करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि यहां से अगर टीम इंडिया हार जाएगी तो फिर ये सीरीज भी हार जाएगी और हार के डर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने दो बड़े बदलाव कर दिए हैं। पहला बड़ा बदलाव हुआ है, ओपनिंग में आपको सोमन गिल बाहर जाते हुए नजर आ सकते हैं और ईशान किशन के साथ आजाद को ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। ओपनिंग जोड़ी कौन सी बेस्ट है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और वही शिवम मावी को भी बाहर जाना पड़ सकता है। शिवम मावी की जगह पर चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाज मुकेश कुमार आज आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। प्लेइंग 11 में इंडिया श्रीलंका टीम के बीच में कुल मिलाकर 28 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से केवल 9 मुकाबले श्रीलंका टीम जीत पाई है और उनसे डबल 18 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं। इस सीरीज को तीसरे T20 में कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले।